अगस्त्य मुनि में भाजपा के संगठन पर्व के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भाजपा के सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कई अन्य लोगों ने भी भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह पवार ने बताया कि 2014 में भाजपा के 11 करोड़ सदस्य थे, 2019 में यह संख्या बढ़कर 18 करोड़ हो गई है। उनका यहां शुभारंभ किया है, ये मेरा जो है परिचय पत्र है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हों, भाजपा को ज्वाइन करें और यहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप मिस कॉल देंगे और आप जो हैं भाजपा ज्वाइन करें। उत्तराखंड में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की हरिद्वार शाखा ने शिक्षक दिवस पर भाद्रपद स्थित फार्म हाउस में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रिटायर्ड और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस पर हम सभी जो हमारे सेवानिवृत्त टीचर हुए हैं 2023-24 के, उनको हम सम्मानित करते हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। तो इस अवसर पर पूरे जनपद के शिक्षक सब इकट्ठे होकर यहाँ पर अब सबको जो अच्छे विद्यालय हैं, हर ब्लॉक से एक विद्यालय को चुना जाता है, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित किया जाता है। हरिद्वार में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिला बैठक शंकर आश्रम ज्वालापुर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि व्यापारी समस्याओं जैसे कि कॉरिडोर पार टैक्सी से लूट के समाधान के लिए व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि व्यापारियों को सरकार से सीधे बात करने का कोई मंच नहीं है और व्यापारी आयोग की तत्काल आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द मिलकर इस आयोग की मांग की जाएगी। द्वार में वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी सौगात कॉरिडोर के रूप में दी गई है और हरिद्वार वासी, हरिद्वार के व्यापारी भी चाहते हैं कि हरिद्वार में कॉरिडोर बने, लेकिन ये कॉरिडोर बने और किसी व्यापारी को भी इस प्रकार का कष्ट ना हो, किसी व्यापारी को इस पे मतलब उसका व्यापार भी ना उजड़े, शहर भी सुंदर बने और कॉरिडोर भी बने। हरिद्वार में सैन्य आश्रम में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्तियों का अनावरण किया गया। इस अवसर पर सैनी समाज ने दोनों महात्माओं के योगदान को याद करते हुए केंद्र सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी और राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फूले जी के लिए सम्मान सरकार को देना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी के गुरु हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी। अगर उन्हें सम्मान मिला है तो सम्मान इनका भी मिलना चाहिए। महात्मा, ये अभी मंत्री जी ने बताया, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली जो महात्मा है वो महात्मा ज्योतिबा फूले जी है, क्योंकि वो महात्मा ज्योतिबा फूले गरीब तबके कुचले समाज का आवाज उठाने वाले थे, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले। अगर वो ज्योति न जगाते तो आज ये कल्पना नहीं हो सकती थी। चमोली जिले के पोखरी में ठेकेदार संघ ने नगर पंचायत पोखरी कार्यालय पर ताला बंदी कर क्रमिक धरना शुरू किया। ठेकेदारों का आरोप है कि 2022-23 में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत किए गए कामों का भुगतान एक साल से लंबित है। नगर पंचायत की ओर रोशन पुंडीर ने कहा कि जैसे ही शासन से धनराशि मिलेगी ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। एक वर्ष बीत गया है, अभी तक हमारे पंचायत के ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं हुआ। ठेकेदारों को दुकानदार द्वारा परेशान किया जा रहा है, मजदूरों द्वारा परेशान किया जा रहा है कि हमारा भुगतान किया जाए। जब ठेकेदारी को भुगतान नहीं हो रहा, ठेकेदार कहाँ से करेगा? ठेकेदार ऐसी कंडीशन में गुजर रहा है कि उसके पास जहर खाने के लिए भी रुपये नहीं है। नगर पंचायत आश्वासन ही नहीं दे रहा कुछ, कब करेंगे भुगतान? हरिद्वार में भाजपा नेताओं का गाय से बात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश वरानंद, पूर्व विधायक संजय गुप्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी समेत कई नेता गाय से बातचीत करते नजर आए। हरिद्वार में मोबाइल और चैन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सीपीयू हरिद्वार और रुड़की की टीम ने विशेष अभियान चलाकर नहर पटरी, भील स्टेडियम रोड और कनखल सोनाली पार्क और कलियव जैसे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की, मॉर्निंग वॉक पर रही महिलाओं, आमजन को सुनसान सड़कों पर सतर्क रहने और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए भी जागरूक किया गया।
मेरठ में एक छात्रा जो अपने मामा के बेटे के साथ बाइक पर स्कूल जा रही थी को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मामा का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने छात्रा का शव और ट्रक को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है। बलरामपुर जिले में शिक्षा के स्तर में पिछड़ापन जारी है। उतरौला के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण कार्य बंद होने पर सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हाथों में स्लोगन लेकर कॉलेज से तहसील तक मार्च किया और SDM अवधेश कुमार को मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग ज्ञापन सौंपा। चंदौली में इमाम हुसैन की शहादत पर पाचसे का जुलूस निकला जिसमें आलम, ताजिया और जंजीरी मातम शामिल थे। इस जुलूस में गंगा जमुनी की तहजीब भी दिखाई दी जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया की खुशहाली की मन्नतें मांगते नजर आए। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के गेट पर तैनात गार्डों ने पत्रकार से मारपीट की जब वो कॉलेज के तानाशाही की खबर कवरेज के लिए गए थे। गार्डों ने पत्रकारों को गेट पर रोककर अभद्रता की और पिटाई की। इस घटना के बाद पत्रकारों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार द्विवेदी ने पत्रकारों को मनाया और गार्डों से माफी मंगवाया जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। आजमगढ़ में सिकरौर गांव की एक बुआ को संपत्ति के लिए अपने भतीजे की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भतीजे के मर्डर की साजिश बुआ ने अपने भाई की मौत के बाद रची। इस मामले में भतीजे की मां को पहले ही जेल भेजा जा चुका था। 19 महीने की जांच के बाद पुलिस ने हत्यारे बुआ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाजापुर के तहसील जलालाबाद में भारतीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री मुनिराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 1 सितंबर को फरुखाबाद बरेली हाईवे पर 9 गौ माताओं की मौत की घटना की जानकारी दी गई और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई। आपने ज्ञापन किस बात को लेकर दिया? आज गायों की दुर्घटना के संबंध में ज्ञापन दिया बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता बंधुओं के साथ, भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ता और सामाजिक लोगों के साथ। जिलाधिकारी महोदय थे, अभी हम सभी लोग मिले और उनसे यही कहा कि जो 1 सितंबर की रात दुर्घटना हुई थी जिसमें 9 गाय वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी हाईवे पर, तो उस पर कारसन हुआ, रोड जाम हुआ, फिर अखबार में छपने के बाद सारा तंत्र जागा और फिर कल वहाँ CDO साहब आई थी, उन्होंने वहाँ कार्रवाई के लिए कहा है और कई लोगों का वेतन भी रोका है ऐसा सुनने में आया है और न्यूज भी छपी है उसकी। तो हम लोग अभी सभी मिले, SDM साहब को यही अवगत कराया कि जो गौशालाएं हैं उनकी क्षमता देखी जाए। महोबा में शिक्षक दिवस पर आशा ग्रामोत्थान संस्थान ने राजकीय मुकुंदलाल तिवारी इंटर कॉलेज में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्देश्य युवाओं को HIV/AIDS के बारे में जागरूक करना है। कन्नौज में नीलू यादव और पूजा तोमर की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी को अनुमति नहीं मिली। बिना अनुमति के राजपत्रित अधिकारी के अग्रसित किए जाने के कारण PCR एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई। बुआ के अधिवक्ता ने कहा कि अगर पुलिस फिर से रिमांड की मांग करती है तो बहस की जाएगी। पूजा तोमर की जमानत पर सुनवाई अब 7 सितंबर को होनी है।